स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल एडुटेक में। आज हम बात करने वाले हैं आपके RRB ALP का जो सेकेंड स्टेज का स्टेज ए एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब CVT 2 का जो स्टेज ए एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपसे जो पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डेसिबल, कॉलम, हम और साइकल्स। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो डेसिबल है। आप सभी जानते हैं कि साउंड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो डेसिबल में मेजर किया जाता है। आपको यहाँ मैं बता दूँ दोस्तों, यह सभी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, तो आपको जो है यह ध्यान में रखना है, हो सकता है कि इस साल भी पूछे जा सके। लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ, तो यह जो होते हैं लाइट ईयर, यह किस चीज़ का मेजरमेंट होता है यह पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यह स्टेलर डिस्टेंस होता है, मतलब यह सोलर सिस्टम में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसे स्टेलर डिस्टेंस कहते हैं। न्यूटिकल माइल जो होता है वह किस चीज़ का यूनिट होता है यह आपसे पूछा जा सकता है। सॉरी, यहाँ पे है न्यूटिकल माइल जो है वह यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, वह क्या चीज़ में यूज होता है। तो यह जो यूज होता है वह नेविगेशन के लिए यूज होता है। यह सब क्वेश्चन आप अपने कॉपी पर नोट करते जाइए, यह सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी डाइंस आर देयर इन 1 ग्राम वेट, तो 1 ग्राम वेट में कितने डाइंस होते हैं। डाइंस जो वह फोर्स का यूनिट है, इसे आपको पता रखना है। तो यह जो है 981 यूनिट होते हैं। कितने डाइन होते हैं, 981 डाइन होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रिक करंट जो है वह क्या चीज़ में मेजर्ड होता है। तो आपको मैं बता दूँ कि यह एमीटर से जो है मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, यह आप सभी को पता होगा, 746 वाट। इफ़ लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 2% द टाइम पीरियड विल बी, अगर किसी पेंडुलम का लेंथ जो वह 2% बढ़ा दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो 1% इंक्रीज हो जाएगा। यह आप सभी को पता होगा कि यह हाफ होता है। इफ़ रेडिएशन करेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड इन स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट, अगर जो है रेडियन करेक्शन को कंसिडर नहीं किया जाता है स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट में, तो वैल्यू जो वह स्पेसिफिक हीट का कितना होगा, तो वह जो है मोर देन एक्चुअल वैल्यू होगा, एक्चुअल वैल्यू से अधिक होता है। डिजिटल स्टॉप वॉच जो होता है शो रीडिंग अप टू, कहाँ तक का रीडिंग शो करता है। डिजिटल क्लॉक वॉच आप सभी देखे होंगे, उसमें जो है 2 डेसिमल प्लेस तक रीडिंग शो होता है। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑल्सो नोन एज, फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, बेस क्वांटिटीज। तो यह आपको ध्यान रखना। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, डेंसिटी जो है किसी भी सब्सटेंस का क्या चीज़ में डिफाइंड होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यह सभी को पता होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फोर्स ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, ग्रेविटी के पुल के कारण जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, यह सभी आपको पता होगा। यह ग्रेविटेशनल पुल फोर्स इज नॉट डोमिनेंट ऑन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वह क्या चीज़ पर डोमिनेंट नहीं होता, तो मास पर नहीं होता। ए बल्ब वेज 500 न्यूटन, तो एक बल का वेट जो है 500 न्यूटन है, तो इसका मास पता करना है, तो इसका जो हो जाएगा 5 ग्राम हो जाएगा। तो ये आपको पता होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वहाँ पे एक्सीलरेशन 9.8 m/s² लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका मास। तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, तो किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी क्या चीज़ में डिफाइंड होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू मास बाय वॉल्यूम, तो मास में वॉल्यूम होता है, यह आपको ध्यान रखना है। क्वांटिटी दैट वेरीज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल वेरिएशन इज, तो मतलब ग्रेविटेशनल पुल के कारण से कौन सा क्वांटिटी जो वह वेरी करता है, तो आपको ध्यान रखना है वेट में अंतर आता है, मास में नहीं आता है। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर, तो स्प्रिंग बैलेंस जो है वेट मेजर के लिए यूज होता है, ना कि मास मेजर के लिए। यह सब आपको ध्यान रखना है, यह सब काफ़ी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। लार्ज मासेस सच एज मास ऑफ ए ट्रक इज यूजअली मेजर्ड इन, तो जैसे कि ट्रक का मास मेजर करना है तो उसके लिए टन्स का यूज होता है। अब ग्राम में तो हम बताएंगे नहीं, पता चला सामने वाला सुन के पागल हो गया। स्मॉल मासेस सच एज मास ऑफ ए पेन इज यूजअली मेजर्ड इन, तो मेजर जैसे कि मास ऑफ पेन है तो वह ग्राम में ही बताएंगे, क्योंकि यह आसान रहेगा ज़्यादा। तो यह सब आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। बैटरी जो है वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में
चेंज करता है। द एनर्जी पोजेड बाय अ बुक ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड, तो कोई बुक अगर कहीं ऊंचाई पर रखी हुई तो सिंपल सी बात है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आंसर होगा। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट जो किलो वाट आवर, सबको पता होगा के डब्ल्यू एच जिसे हम कहते हैं। वैन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवार्ड द ग्राउंड, जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ फ्रीली फॉल होता है तो उसे उससे क्या होता है, टोटल एनर्जी जो है वह रिमेंस कॉन्स्टेंट होती है, ना इंक्रीज करती है ना डिक्रीज करती है, क्योंकि क्यों, क्योंकि वह फ्रीली फॉल कर रही है। आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको ALP के CVT 2 के स्टेज एग्जाम में। वाट हैपेंस टू द बॉडी ऑन विच वर्क इज डन, तो कोई भी बॉडी पे क्या होता है जब वर्क डन होता है, तो आपको ध्यान रखना है वह एनर्जी गेन कर लेती है। जैसे कि अगर किसी बॉल को फेंका जाए तो वह स्पीड में है तो वह एनर्जी गेन कर रही है। अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट्स रन्स फॉर 50 आवर, मतलब 50 आवर के लिए एक रेडियो सेट 60 वाट का होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा जा रहा है। यह आपको देख लेना है यह कैसे निकलता है किलो वाट आवर से, तो इसको जो है किलो वाट में बदल लेना और ये 50 आवर को जो है ये इससे आपको उसे डिवाइड कर देना है तो आपको पता चल जाएगा। वाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर, पावर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, वाट होता है, यह आप सभी को पता होगा। ऑन एन ऑब्जेक्ट द वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो क्या चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस पे जो वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं एक बॉडी जब मूव होती है तब जो है वह वर्क जो है वह डन होता है, तो यह सभी आपको ध्यान रख लेना। वैन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज वेलोसिटी, जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होता है, किसी भी चीज़ का जो है स्पीड चेंज होता है, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वह भी चेंज होती है, यह आपको ध्यान रखना। लेकिन वेलोसिटी जब चेंज होती है तब स्पीड चेंज हो, ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शनल है, यह मतलब डायरेक्शन चेंज होने पर भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, यह आपको ध्यान रखना। इफ़ अ सब्सटेंस इज हॉट इट्स पार्टिकल, अगर कोई सब्सटेंस हॉट है तो उसका पार्टिकल क्या होगा, मूव मोर फास्टर देन द कूलर ऑब्जेक्ट, जो भी ठंडा ऑब्जेक्ट है उसके जो पार्टिकल है उससे ज़्यादा स्पीड में मूव करेगा। इसके बाद है द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो यहाँ पे आपको 98%, यह आपको ध्यान रखना। ये सभी क्वेश्चन जो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं फिर इसी तरह के 30 और क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं जब अपना नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो वो आपको मिल सके, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।